वेलकम बैक। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनका सबसे करीबी स्टाफ सामने आया है, अशोक कासू, जो सुशांत सिंह राजपूत का कुक था। उसने इंडिया टीवी पर रिया को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। कासू ने सुशांत पर हुए जादू टोना को लेकर भी बयान दिया। सुशांत को दी जाने वाली दवाई को लेकर भी अशोक कासू ने कई बातें बताई। कासू का कहना है कि पहले वही सुशांत को दवा और खाना दोनों दिया करता था, लेकिन रिया की एंट्री के बाद सब कुछ बदल गया। अशोक कासू ने सुशांत के यूरोप टूर को लेकर बड़ी बात कही है। 2016 से 2019 अंत तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके घर में रहने वाले उनके कुक अशोक कासू हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, इनसे जाने की कोशिश करते हैं। अशोक भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कब से शुरुआत की थी सुशांत के यहाँ पर, कैसे थे आप, उनके बारे में थोड़ा बताइए। पिक्चर की कमी नहीं थी, पिक्चर तो उसने बैक टू बैक छिछोरे के बाद उस साजिद नाड़ियाल से दो पिक्चर मिली थी, उसने साफ मना कर दिया था कि अभी मैं नहीं करूँगा, तो उसको रेस्ट चाहिए था क्योंकि 3-4 साल से बैक टू बैक पिक्चर ही कर रहा था। तो उसने मेरे को भी बोल रहा था छिछोरे के टाइम कि भाई अब ये मेरा लास्ट है, अभी 2-4 महीने के बाद फिर मैं देखूँगा कि पिक्चर करना है कि नहीं। इनका आपको रेस्ट चाहिए, तो बोलते नहीं, हाँ मेरे को रेस्ट चाहिए। मैं हम उस टाइम हमने इधर पावना डैम में जो है वहाँ पे फार्म हाउस रेंट पे ले रखा था, तो उन्होंने बोला हम लोग वहाँ जाएंगे, पहले फार्म हाउस में पहले हम लोग जो थोड़ा सा खाली एरिया था वहाँ पे हम लोग कुछ उगाएंगे, उसमें मतलब सब्जी हो गया, खेती वगैरह जो भी करना है वहाँ पे करेंगे। तो मैंने बोला वहाँ तो पूरा जंगल झाड़ है, उसमें कैसे होगा। बोलता है कि नहीं नहीं, उसमें पहले हम लोग पूरा जितने भी एरिया उनका है, जिसका था उनका जो एरिया है, उसमें हम लोग पहले ट्रैक्टर चलाएंगे, उसमें पूरा जोतेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें फार्मिंग करेंगे, मतलब अच्छी तरह से करेंगे। तो फिर बोले कि मेरे को ऑर्गेनिक चीज़ चाहिए, तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये तो और बढ़िया बात है क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ तो और कोई मिलता भी नहीं है, और खाद भी चाहिए, खाद वाद भी हम लोग कोई बात नहीं, एक दो गाय पाल देंगे उसमें से खाद भी आ जाएगा, और ऑर्गेनिक तो मतलब अभी नेचुरल चीज़ तो मिलता भी नहीं है ऑलमोस्ट। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ये बात सही है, और फार्मिंग का काम तुम्हारे भरोसे वाले को दूंगा, जो भी आएगा उसको दूंगा मैं, और तुम मेरे साथ ही रहोगे, मतलब कहीं इधर उधर नहीं जाना, तुम सिर्फ उसको कोऑर्डिनेट करते रहना कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या लगाना क्या नहीं लगाना। ठीक है, वो चलेगा। मार्च से लेकर मैं फिर सितंबर 1 तारीख तक उसके साथ था, तो उस टाइम भी कोई इशू नहीं था, उसका कोई प्रॉब्लम कोई ऐसा वो नहीं था, फिट था। उसके बाद मैं जब सितंबर में गाँव गया, अक्टूबर में मैं रिटर्न आया था। रिटर्न आने के बाद फिर उन अक्टूबर में आने के बाद उन लोग ये रिया के साथ यूरोप ट्रिप पे गया हुआ था, तो यूरोप ट्रिप के आने तक मैंने इंतज़ार किया था कि हो सकता है कुछ वजह हो सकती, तो फिर मेरे को ऑलरेडी मना कर दिया कि नहीं आना करके। तो फिर मैंने जब ये एक उनकी पर्सनल जो मैनेजर थी उनसे पूछा कि क्या वजह क्या है, तो श्रुतिमती, तो मैंने पूछा कि क्या वजह हो सकती, कि क्या वजह से निकाला मेरे को, कि क्या हुआ था। तो उसने बोला कि ये तो हम भी नहीं बता सकते, ये तो सर ही बताएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं सर से मिलूंगा एक बार। तो फिर मैंने दूसरा जो हाउस मैनेजर था शैमल मिरिंडा, उसको मैंने बोला कि भाई क्या चक्कर, क्या क्यों निकाला मेरे को, कुछ बताया तेरे को? तो बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं बताया। मैंने कहा पक्का सर ने बोला था? बोलता है नहीं सर ने नहीं बोला, रिया ने बोला। तो मैंने बोला कि रिया ने क्यों बोला, मैं तो उस सर के साथ था ना, रिया क्यों निकालेगी? तो बोलते पता नहीं, वो तो सर से बात करने वाले। मैंने कहा सर से बात करना है तो मेरे को सर से मिलने दे दो, फिर एक बार आता हूँ मिलने। आप उनका सुशांत का सारा ख्याल रखते थे, लेकिन रिया जैसे उनकी जिंदगी में, अप्रैल 2019 अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसके बाद रिया ने पूरा टेक ओवर कर लिया, तो दवा कौन सा लेना है क्या लेना वो आपके हाथ में नहीं था, सब कुछ छूट गया था उस टाइम। मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं था उसके पास, वो कभी मेडिसिन खाया नहीं, वो खाता भी तो वही कोल्ड फ्लू का, या वो तो नेचुरल चीज़ है, वो हम ही मैं ही देता था उसको मोस्टली। लेकिन आप कह रहे कि आप धीरे धीरे पीछे हट गए, सारा टेक ओवर रिया ने कर लिया, तो क्या करती थी रिया कमरे में, कुछ आप लोग को पता चल पाता था कभी, या फिर आप किचन तक सीमित हो गए? अंदर की बात हम लोग को पता नहीं चलता था, ताकि फिर हम लोग फिर मैं फिर रिया आने के बाद रिया फिर ये जो श्रुति मोदी और जो मिरिंडा था इनके थ्रू फिर हम लोग को बोलती थी ना कि ये कराना है सर, वो कराना है, तो फिर मैं थोड़ा पीछे हो गया था, मतलब बैक हो गया था। सुशांत की मानसिक स्थिति के बारे में मुझे बताइए, जैसे आप बता रहे परफेक्ट था, जब तक मैं था सितंबर तक उस टाइम तक बिल्कुल ठीक था। यूरोप के टूर के बाद स्थिति ये बहुत चीजें बदली, क्या होता था आप बता नहीं, कैसे उनका व्यवहार कैसे हो गया था, कैसे रिएक्ट करते थे? अभी मैं भी इतना नहीं जानता क्योंकि उसका व्यवहार में अभी क्या है कि यूरोप में क्या हुआ वो हम लोग कोई नहीं जानता,
क्योंकि बाउंसर भी नहीं गया था। तो उधर की बात क्या हुई, उसके बाद ही ये डिप्रेशन में गया, या डेंगू हुआ था, डेंगू के बाद डिप्रेशन में चला। अगर कोई बंदा, अगर हम लोग नॉर्मल बंदा भी अगर डेंगू होने के बाद डिप्रेशन में जाने वाली बात तो आती नहीं है। और जो डेंगू की जो इश्यू निकाल रहे थे स्टार्टिंग में, उसमें तो मतलब उसके बाद अगर आपको सीधा बोलेंगे कि उसको डिप्रेशन था, डिप्रेशन की मतलब क्या है, मतलब किस वजह से हो रहा है उसको डिप्रेशन, उसको पिक्चर की वजह से था या कोई किसी स्टाफ की वजह से था, या हो सकता है उसकी कोई पर्सनल मैटर किसी में घुसना चाहता था या घुसना चाहती थी, वो हम लोग कोई नहीं जानता। दिल्ली में एलजी ने केजरीवाल के दो फैसलों को पलट दिया है। दिल्ली से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देख लीजिए हमारा आज का इंटरेस्टिंग ओ माय गॉड।